हेलो दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद सफ़ीक आप देख रहे हैं एमडी प्लस यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि पेटीएम ने एक नई सर्विस लॉन्च किया है जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं जिसके तहत आप अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर पाएंगे जी हाँ दोस्तों अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर पाएंगे तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इस ये जो पेटीएम की नई सर्विस है कैसे काम करती है इसको कैसे इस्तेमाल करना है सारी डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में और यहाँ पे दोस्तों मैं यूज़ करके भी दिखाऊंगा पैसा अपना क्रेडिट कार्ड का बैंक में ट्रांसफर करके दिखाऊँगा ठीक है तो अगर आप जानना चाहते हैं इस सर्विस के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आज तक देखते रहिए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगा आपसे एक रिक्वेस्ट अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसा ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी तो दोस्तों चलिए हम अपना पेटीएम अपलीकेशन ओपन करते हैं और आपको बताते हैं तो आप जैसे अपना पेटीएम अप्लीकेशन ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिलेगा आल सर्विस ठीक है तो यहाँ पे हमें आल सर्विस पे क्लिक करना है तो हम जैसे ही आल सर्विस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमें कुछ ऑप्शन दिखेगा बुक सिलेंडर रेंट पेमेंट वॉलेट टू बैंक गूगल पे रिचार्ज पेटीएम पोस्ट पे ठीक है दोस्तों अगर यहाँ पर आपको नहीं मिलता है तो आपको सिंपल यहाँ पे जो सर्चिंग बार है ना यहाँ पे सर्च करना है रेंट जी हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको रेंट सर्च करना है तो वो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर ये सर्विस आ जाएगी जिसका नाम है रेंट पेमेंट जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्रोडेक्शिंग रेंट पेमेंट ठीक है तो हमें इस पर क्लिक करना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों अभी मैं इसके आगे की जानकारी फ़ोटो के थ्रू समझाऊंगा क्योंकि आपको भी पता होगा कि पेटीएम हर एक जगह पर स्क्रीन रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं देता है ठीक है तो यहाँ पर हम जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें अपना अकाउंट नंबर डालना है जिस भी अकाउंट में पैसा हमें लेना है ठीक है यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना है और यहाँ पे हमें अकाउंट होल्डर नेम डालना है जिसका भी अकाउंट है उसका नेम यहाँ पे डालना है यहाँ पे मोबाइल नंबर बोला जा रहा है ये लेकिन ये ज़रूरी नहीं है इसको आप छोड़ भी सकते हैं ठीक है बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड अकाउंट होल्डर नेम ये तीनों यहाँ पर जरूरी है ठीक है तो इन तीनों चीज़ को डालने के बाद हमें यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर फिर से हमें अपना अकाउंट नंबर दोबारा एंटर करना है कंफर्म करने के लिए ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ कंफर्म बैंक अकाउंट तो यहाँ पे हमें अपना अकाउंट नंबर दोबारा डालना है ठीक है तो चलिए हम यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर दोबारा डालते हैं तो दोबारा अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे हमें फिर से प्रोसीड पे क्लिक करना है तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है अमाउंट डालने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कितना पैसा आप अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं अपना एक हज़ार रुपये कर देता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक हज़ार का अमाउंट डाल दिया है उसके बाद यहाँ पे हमें प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है अभी यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमें सिंपल यहाँ पे प्रोसीड टू पे यहाँ पे वन थाउजेंड लिखा हुआ है हमें इस पर क्लिक करना है उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे अकाउंट लिंक है यू पे उस पर टिक लगा हुआ है लेकिन हमें यू से पेमेंट नहीं करनी हमें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है तो हमें यहाँ पे नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है ठीक है तो चलिए हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे जितना भी हमारा कार्ड पहले से ऐड होगा वो यहाँ पे शो करेगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ठीक है अगर नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया गया है क्रेडिट कार्ड हमें इस पर क्लिक करना है ठीक है तो इस क्रेडिट कार्ड पर मैं क्लिक करता हूँ तो दोस्तों हम जैसे ही क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर योर कार्ड डिटेल तो यहाँ पे हमें कार्ड नंबर डालना है यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालना है यहाँ पे सी नंबर डालना है ठीक है तो ये तीनों चीज़ों हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा ठीक है तो चलिए हम यहाँ पे अपना कार्ड की डिटेल फटाफट डाल देते हैं तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो जैसे हमने यहाँ पर अपने कार्ड का डिटेल फिल किया कार्ड नंबर एक्सपायरी और यहाँ पर सी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख आ गया है पे एक हज़ार ठीक है यानी कि दोस्तों बीस रुपये यहाँ पर चार्ज लगाया गया है आप समझ सकते हैं कि हमारे क्रेडिट कार्ड से एक हज़ार बीस रुपये काटा जाएगा और जो भी अकाउंट हमने शुरू में दिया था उस अकाउंट में केवल एक हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किया जाएगा बीस रुपये यहाँ पर चार्ज लग गया है इसका मतलब ये है कि दो परसेंट का चार्ज यहाँ पे पेटीएम लगा रहा है ठीक है तो चलिए हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम जैसे पे पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा यहाँ पे हमारे क्रेडिट कार्ड की तरफ से ओ आ चुका है ओ टी पी यहाँ पे डालना पड़ेगा ओ डालने के बाद हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा तो उसके बाद दोस्तों हम जैसे ही सबमिट पर क्लिक कर देंगे ओटीपी डालने के बाद हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट रिसीव एक हज़ार ठीक है यहाँ पे डेट वगैरह टाइम वगैरह सब कुछ दिया गया है दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो आपने अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल कर बैंक में ट्रांसफ़र किया है उसको ट्रांसफ़र होने में दो से तीन दिन का टाइम लगेगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है टू थ्री डेज़ ऑफ योर लैंड रोड टू रिसीव द पेमेंट बैंक अकाउंट ठीक है तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब भी आप यहाँ पे रेंट पेमेंट करेंगे पे से तो दो से तीन दिन का समय लगेगा वो भी दोस्तों वर्किंग डेज़ होगा यानी कि अगर यहाँ पे संडे वगैरह या फिर कोई और छुट्टी आ जाती है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा ठीक है तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर आप पे से अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तो दो का चार्ज आपसे लिया जाएगा जैसे कि आपने देख लिया ठीक है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक में कैसे लेना है पेटीएम के थ्रू फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है कोई भी सवाल अभी भी बचा हुआ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी आती है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई ऐसी जूस जानकारी की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ओके okay, दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए